नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नेश कौशल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि साइड वाले मिरर को किस तरह से सेट करना चाहिए। तो उसमें मैंने बताया था कि ये साइड वाले जो मिरर है, ओ आर बी एम मिरर, इसको हमेशा दो तरीके से सेट करना चाहिए। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि हाईवे रोड पर किस तरह से सेट करना चाहिए और सिटी रोड पे किस तरह से सेट करना चाहिए, वो चीज़ आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि 99% ड्राइवर हाईवे रोड पे मिरर को गलत सेट करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो इस आई वाले बटन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे कि सिटी रोड पे किस तरह से मिरर को सेट करना चाहिए। दोस्तों, ये मिरर को हमेशा दो तरीके से सेट करना चाहिए, एक हाईवे रोड पे अलग सेटिंग है और सिटी रोड पे अलग सेटिंग है। हाईवे रोड किसको बोला जाता है, जहाँ पे टू लेन के अलावा अलग रोड होता है, जैसे फोर लेन होता है, सिक्स लेन होता है, उसको हम लोग हाईवे रोड बोलते हैं। आज जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंगल रोड है, मतलब एक ही रोड पे हम लोग इस साइड से जाते हैं और उस साइड से दूसरा गाड़ी आता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेन। ठीक है, तो इसे सिटी में भी फॉलो करता है और ये सिंगल रोड में भी फॉलो करता है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग बताने वाले हैं कि सिटी रोड पे किस तरह से मिरर को सेटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कार का जो सेंटर पॉइंट पे जो मिरर होता है कार के अंदर, ये वाला मिरर को सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सेट करना है। ये मिरर किस तरह से सेट करना है, उसी वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया था। एक्चुअली वो जो पीछे का जो चारों पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब चारों पॉइंट दिखना चाहिए, तभी यह बिल्कुल अच्छी तरह से सेट होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी न्यू मॉडल के कार आ रहा है, सारे में अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से देखिए, अंदर में है ये बटन और हम लोग इस मिरर को यहीं से सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी आसान हो चुका है, क्योंकि जितने भी पुराना कार था, हम लोगों को शीशा सबसे पहले डाउन करना पड़ता था और ये हाथ से बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता था, वो थोड़ा टफ था। और इधर वाला तो सबसे ज्यादा टफ था कि इस साइड वाला जो मिरर है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता था ड्राइवर को सेट करने में। तो अब ये बिल्कुल आसान हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब किस तरह से सेट करना चाहिए वो चीज़ बताते हैं हम। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन है, ये वाला मिडिल में रहता है, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे जो रहता है, तो इसको एक बार राइट घुमाना है, राइट वाला मिरर को एडजस्ट करना है, तो राइट घुमा लेना है, ठीक है। अगर हम देखिए इसको डाउन करते हैं, नीचे करते हैं, तो शीशा हमारा नीचे हो रहा है। और इसको ऊपर करते हैं, देखिए इसको ऊपर कर रहे हैं तो शीशा ऊपर हो रहा है, ठीक है। और हम अगर हम लेफ्ट की ओर लाते हैं इसको, तो देखिए मिरर जो है लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग आसानी से सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिरर को हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं, देखिए पूरा अंदर की ओर कर लेते हैं और हल्का से दिखता है, बस इतना ही करके रखते हैं, और ये वाला मिरर को भी उसी प्रकार कर रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग ड्राइवर अलग अलग तरीके से सेटिंग करते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने बोध को देखा है कि इतना में रखते हैं, मैंने बोध को देखा कि इस तरह से रखते हैं, ठीक है, और मैंने बहुत सारे ड्राइवर को देखा है कि पूरा सिर्फ पीछे वाला जो हल्का से उतना दिखता है। तो सबका अलग अलग अपना तरीका हो चुका है कि अपना अंदाज से सेट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर सेटिंग क्या होता है, चलिए दोस्तों हम आपको बता दें। तो दोस्तों, करना क्या है, देखिए ये वाला जो साइड पॉइंट है, इसको सबसे पहले हमको इधर रखना, कितना है, 10 से 15% हमको रखना है इस जगह पे। देखिए ये वाला जो जगह है, इसको 10 से 15% रखना है, मतलब देखिए ये प्रॉपर, ठीक है, मतलब देख सकते हैं पीछे वाला जो पिलर है, मिडिल वाला पिलर, वो हल्का सा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कार का बॉडी को 10 से 15% तक दिखना चाहिए, बाद में आपको रोड दिखना चाहिए, ठीक है। और आसमान जो है, ज्यादा आसमान भी नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, ज्यादा आसमान दिखते हैं मतलब ऊपर की ओर दिखता है, तो ज्यादा ऊपर की ओर नहीं दिखता है, मतलब आपको अंदाजा लगा लेना है कि अगर ट्रक आएगा तो ट्रक का ऊपरी वाला हिस्सा दिखना चाहिए। या बहुत सारे रोड पे क्या होता है, कुछ लगे होते हैं बैरियर वगैरह, लोहे का कुछ पार्ट्स लगे रहते हैं, वो चीज दिखना चाहिए। बहुत सारे इतना भी डाउन नहीं करना है, देखिए इतना भी डाउन नहीं करना है कि सिर्फ इतना रखना है, ये भी बहुत कम है, तो थोड़ा सा आसमान दिखना चाहिए, ठीक है, मतलब 40% और 60% नीचे की ओर रहना चाहिए, 40% ऊपर की ओर। तो इसी प्रकार वो वाला भी मिरर को सेट करना है। तो वो वाला मिरर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नॉब है इसको हम लोग लेफ्ट की ओर घुमा लेना है, ठीक है, लेफ्ट की ओर घुमा लेना है, जिससे कि हम यहाँ से एडजस्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, आप लेफ्ट वाले मिरर को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ सेम इसी प्रकार यहाँ से भी आपको सेट करना है कि 10 से 15% आपका कार का बॉडी दिखना चाहिए, ठीक है, ये 10 से 15% लगभग हो गया, और नीचे 60% रहना चाहिए और ऊपर 40%।
देखिए इससे क्या होगा कि आप ये वाला जो इस प्रकार का जो रोड है हम लोग यहाँ पे हम लोग आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। सिटी रोड में हमेशा इसी प्रकार से सेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये ट्रिक सिर्फ सिटी रोड पे कीजिएगा, ये ट्रिक्स कभी भी आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा हाईवे रोड पे, क्योंकि ये हाईवे रोड पे खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर हाईवे रोड वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस आई वाला बटन पे जाके देख सकते हैं कि मैंने वहाँ। तो दोस्तों ये वाला सेटिंग आपको जब आप कार को बैक करते हैं उस वक्त भी काम आ सकता है और सिटी ड्राइविंग में भी काम आ सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाला बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।